हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। आप सब लोग एक टूर चाहते हो मेरी शॉप का, तो मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी शॉप जो है वो एक मिक्स जनरल स्टोर है, जिसमें मैंने कॉस्मेटिक, स्किन केयर प्रोडक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें अलॉन्ग विद टॉय सेक्शन भी है। एक एक स्टोर की तरह है, जिसमें आपको घर की ज़रूरत की हर तरह की चीज़ जो है वो मिलेगी। सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माई चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी थोड़ी चीजें जो मैं शूट करके फिर बाद में एक पर्टिकुलर शॉप पे बैठ के वीडियो बनाती हूँ, उसमें एडजस्ट करती हूँ ना, मैं आज सोच रही थी आपके साथ बात करूँ, क्योंकि मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने नाइट स्किन केयर रूटीन बताया है। अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं, आपको पिगमेंटेशन, आपको स्कार्स है, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए और फिर इंस्टाग्राम पे मेरी कुछ लंबी लंबी चैट हुई कि दीदी आप हमें अपना घर दिखाइए, आप अपनी शॉप कैसे संभालते हैं। तो आप उसके लिए मेरा व्लॉगिंग चैनल देख सकते हैं। मेरा व्लॉगिंग चैनल है हरित्वी बहल एंड ममा रॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक बेहतरीन होम रेमेडी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इस रेमेडी को मेरे बताए अनुसार ही करते हैं, आपको कोई महंगे फेशियल लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहे आपके ब्लैक हेड्स हैं, चाहे आपके व्हाइट हेड्स हैं, चाहे आपके ओपन पोर्स हैं, कोई भी आपको दिक्कत है, कोई भी ऐसा स्किन पे प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो वो दूर हो जाएगी। आपको स्टीम नहीं लेनी, आपको ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं। बहुत ही कमाल के इंग्रेडिएंट जो हमारी किचन में होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है अगर आप इसी तरह से करते हैं। और आप इस रेमेडी को 2 हफ्ते कंटिन्यूअसली करके देखिए, आपकी स्किन खुद बोलने लग जाएगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। तो जल्दी से रेमेडी शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। और सबसे पहले इस रेमेडी को करने से पहले, आप कोई भी होम रेमेडी करते हैं, मैं फास्ट इसलिए बोल रही हूं, मैं नहीं चाहती बातचीत में वीडियो बहुत लंबी चली जाए। कभी भी होम रेमेडी आपको करनी है, वो हमेशा कोशिश करें 99% वो रात को ही करें, सन के उसके बाद डायरेक्ट एक्सपोजर में ना आए, क्योंकि रात को हमारी स्किन हील करती है। जो भी चीजें आप अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे वो आपको पूरा पूरा फायदा देंगी। नंबर 2, जल्दबाजी में आपको कुछ नहीं करना है। नंबर 3, आपको जो मेजरमेंट डालनी है वो कंट्रोल में डालनी है। ये नहीं मैंने बता दिया तो ये फलाना वाला ऑयल डाल लीजिए या फलानी वाली ग्लिसरीन डाल लीजिए तो आपने एक ही बार में फायदा हो जाएगा जी भर के, ऐसा कुछ नहीं करना है। जिस तरह से जैसे बता रही हूँ वैसे ही करना है। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे फेस वॉश। फेस वॉश हम गाइस करेंगे, मामा अर्थ का राइस फेस वॉश लिया है मैंने। इसके की इंग्रेडिएंट है राइस वाटर और नायासिनामाइड B3+ है इसमें। हाँ जी बोलिए, और खा लो। और ये ग्लास स्किन के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आपको पिगमेंटेशन है, इससे ऊपर कोई भी चीज जो मैंने पर्सनली यूज की है, मुझे सिर्फ एक ही चीज लगी है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मैं फटाफट से इससे फेस वॉश करके आती हूँ। इंग्रेडिएंट्स गाइस मैंने यही लिए हैं, वही सिंपल से जो मेरे हमेशा से फेवरेट है। आधा चम्मच चावल का आटा, आधा चम्मच बेसन, और इसमें जाएगी माय फेवरेट आधा चम्मच कॉफ़ी, क्योंकि ये सारी चीज़ें पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा काम करती हैं। और उसके बाद जाएगा माय फेवरेट पिसी हुई चीनी, ये डालना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये जो स्किन में इलास्टिसिटी लेके आती है ना, वो तो अलग लेवल की होती है। एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल डाला है मैंने, ताकि जो है वो स्किन को नरिशमेंट, हाइड्रेशन अच्छे से मिले। थोड़ा सा इसे मैंने मेल्ट कर लिया था क्योंकि सर्दी की वजह से जमा हुआ है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाला है दही, दैट्स इट। इन्हें अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और शुरू हो जाना है। वॉश करने से ही जस्ट इतना ग्लो आ गया है। अगर आपका ये एक्चुअली क्या है ना, मेरा चेहरा थोड़ा साफ है, तो मतलब साफ इन द सेंस इसलिए है क्योंकि मैं डेली क्लीन अप करती हूँ। अगर आपने ये चीजें शुरू में की है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपने कभी नहीं किया है, बॉडी को अडाप्ट करने में टाइम लगता है। ये देखिए, इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बेसन, कॉफी, चावल का आटा, ये तीनों बाकमाल काम करते हैं हमारी पिगमेंटेशन पे, स्पेशली जो हमारे मलाजमा होती है, डिस्कलरेशन हमारी स्किन पे होता है, जिसे हम छाइयों का नाम देते हैं, ये वाली इस पे। लेकिन जो हमने इसमें चीनी डाली है, चीनी पाउडर चीनी डाली है, मिक्सी में ग्राइंड करके रख लीजिए। मैं स्टोर करके रख लेती हूँ चावल का आटा बना के, ये सब फ्रीजर में ऊपर रखती हूँ मैं। तो ये सारी चीजें जो चीनी है वो आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगी, आपकी स्किन के अंदर तक जो डर्ट है, गंदगी है, उसको बाहर निकालेगी। आपकी झाइयां, मलाजमा, ये सब जो भी आपकी स्किन पे होता है उस पर वर्क करेगी। आपको ग्लास स्किन अचीव करने में ये बहुत हेल्प करते हैं। नारियल का तेल आपकी स्किन को हार्श होने से बचाता है। इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। जो नारियल का तेल होता है, जब भी किसी के कोई निशान हो जाता है, कटे का, जले का, तो हमारी यहाँ मम्मियाँ क्या कहती हैं कि जी नारियल का तेल लगा लो, है ना। लेकिन आपको जो नॉर्मल नारियल का तेल आता है ना, वो नहीं लगाना, क्योंकि आजकल बहुत कुछ ऐसा है जो हम देखो देखी कर लेते हैं लेकिन हमारी स्किन के लिए वो अच्छा नहीं होता। जो आता है ना वो ब्लू कलर की डब्बी में, जो बालों में लगाने के लिए तेल आता है,
वो आपको गाइज फेस पे बिल्कुल नहीं लगाना है। आप ये वाला लगाएंगे जो एक्स्ट्रा वर्जन होता है। हमने फेस वॉश कर लिया था, उसके बाद स्टीम लेनी है तो आपकी अपनी चॉइस है, आप स्टीम ले सकते हैं। पहले हम बहुत टेस्टी है, मुंह में चला गया। इसे एज अ स्क्रबिंग ऐसे इस तरह से यूज करेंगे हम 1.5 से 2 मिनट के लिए। मैं थोड़ा ही करने वाली हूँ क्योंकि मेरी स्किन साफ है, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है तो आप इस तरह से, ये देखिए मैं वीडियो जो है वो एडिटिंग नहीं करूंगी, इसी तरह से डालने वाली आपकी रिक्वेस्ट पे। इसके लल्लू लगे हुए हैं तो मैंने ना स्क्रबिंग कर ली थी क्योंकि मम्मी पापा कहीं गए हुए थे शादी पे, वो आए हैं तो गेट खोलना था, तो उनके सामने मुझे शर्म आ रही थी वो मुंह लेके जाते हुए, तो मैंने उसे उतार लिया 1.5 मिनट बाद। अगर आप उतारना चाहते हैं आपकी अपनी विश है, नहीं तो आप उसी तरह स्क्रबिंग करने के बाद एज अ फेस मास्क। देखिए स्क्रबिंग करने के बाद ही मेरी स्किन में कितना ग्लो है। आप इसे अच्छी तरह से अपने एज अ पैक लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे, फिर उतारेंगे। और ये पीछे जो हमारा बंदा है ये पूरा फायदा उठा रहा है कि मम्मा बिजी है और ये कभी डेरी मिल्क खा रहा है। अच्छा बैलेंस रखना चाहिए है ना। तो मैंने इसको एज अ पैक लगा लिया है, अब इसे हम 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे। ये जो बचा हुआ है वो हम अपने हाथों की कोहनियों की आप कर सकते हो, लेकिन ठंड पड़ी है और मैंने इसको ऐसे कवर किया। मैं जस्ट 15 मिनट मैंने पैक को रखा है। आपको ना इसको रगड़ना बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें चीनी होती है और चीनी एक्ट्स लाइक अ वैक्स, तो आपको थोड़ी सी दर्द वगैरह हो सकती है। और देखिए इसको अच्छे से रिमूव करेंगे, आपके हेयर्स भी फेशियल रिमूव होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉटन लिया है क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कॉटन पड़ा है, पीछे मैं बीमार हो गई थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो कॉटन के बड़े बड़े रोल्स आए थे घर में, वो पड़े हैं तो वो मैं यूज कर लेती हूँ। आपके पास कोई भी हैंकी आप यूज कर सकते हो। ये देखिए अगर लगे कि थोड़ा ज्यादा सूख गया तो इस तरह से आप रिमूव कर लेंगे, पर ये है कि कोई ना कोई कपड़ा वगैरह लेके ही करें और हाथ से ना धोइएगा। इस तरह से ये सारी डर्ट आपकी स्किन से उठा लेता है, जो भी आपके ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, कुछ लोगों को छोटे छोटे दाने फील होते हैं है ना, दिखते हैं लेकिन उनकी खारिश वगैरह नहीं होती है, सब इससे वो टाइनी बर्म्स ये वो सब दूर होते हैं। बहुत महंगे महंगे हम फेस वॉशेज यूज करते हैं, स्क्रबिंग करते हैं, लोग पार्लर में जाते हैं, 2-2 हज़ार का यू नो एक एक फेशियल होता है, लेकिन ये चीज़ उन सबको मार देगी। प्रॉमिस आप इसको एक बार करेंगे ना जब तभी आपको लगेगा कि भैया इस चीज़ में कुछ है, लेकिन आपको इसी तरह से यूज़ करना है। और एक चीज़ बोल दूँ कि इतने टाइम से आपको छाइयाँ हैं तो वो एक टाइम में जाएंगी नहीं, फर्स्ट टाइम में वो फीकी भी नहीं होंगी, जस्ट आपकी स्किन इस रेमेडी को अडाप्ट करना शुरू करेगी। तो टाइम लगेगा, 1 महीना आराम से करें इस रेमेडी को। मैं अब अच्छे से फेस वॉश करके आती हूँ। अच्छे से फेस को आपने जस्ट पानी के साथ धोना है, कोई भी फेस वॉश वगैरह यूज नहीं करना है। और उसके बाद आप अप्लाई करोगे एक सीरम अगर आपके पास है, नहीं तो आप जो भी मॉइस्चराइजर लगाते हो आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको अच्छे से बेनिफिट्स चाहिए, आपके पिगमेंटेशन है, तो ये वाली सीरम जरूर यूज करें। ये है ममा अर्थ की सीरम जिसके बारे में मैंने आपके साथ बहुत बार की है। इसके की इंग्रेडिएंट है नायासिनामाइड और जिंजर एक्सट्रैक्ट जो स्पेशली वर्क करते हैं हमारी पिगमेंटेशन पे। जस्ट इस तरह से आपको सीरम को लगा लेना है। ओके तो आपकी स्किन ग्लोइंग बनेगी, अच्छी बनेगी। मेरा आपके साथ ये बोल सकते हो प्रॉमिस है, जो मुझे लोग पर्सनली जानते हैं जो मेरी शॉप पे आते हैं, उन्होंने 3 महीने पहले भी मेरा चेहरा देखा है, अब भी देखते हैं और मुझसे पूछते हैं कि दीदी आप क्या करते हो। बस यही करती हूँ मैं, एक अच्छा सा स्किन केयर फॉलो करती हूँ, उसके रिजल्ट मेरी स्किन पे दिखते हैं। डिप्रेशन के बावजूद इतनी झाइयाँ, जब मेरा दिसंबर में डिप्रेशन दोबारा से मुझे हुआ था, ये चीज मेरी आज से ब्लैक ब्लैक हो गई थी। ये सीरम लगाने के बाद मैं लगाती हूँ फेस मास्क। ये मेरा जो नाइट स्किन केयर है ना वो अल्टरनेट डे पे चलता है,
बीच में मैं रेटिनॉल भी यूज करती हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मास्क आपको इस तरह से लगा लेना है, इस तरह एक लेयर अपने फेस पे इस तरह लगा के, ठीक है? आपको खुद को अच्छे से पता होता है जब हम सुबह उठते हैं ना, इतना सूधन सा चेहरा हुआ होता है ना। ये देखिए बस, और कुछ नहीं करना है। अब आपको सो जाना है, फोन दूर रखना है अपने आप से। हाँ, तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये किनको नहीं करनी है रेमेडी। अगर आपके एक्टिव एक्ने हैं तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। एक्ने प्रोन स्किन है, आप कर सकते हो। एक्टिव एक्ने पे स्क्रबिंग को रगड़ के नहीं करते हैं क्योंकि उससे इन्फेक्शन फैल जाती है। अगर आपकी ऑयली स्किन है आप डेफिनेटली कर सकते हो, डरिए मत कि इसमें हमने ऑयल डाला है। कुछ ऑयल्स हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, आप मात्रा को कंट्रोल कर सकते हो। आपकी ड्राई स्किन है तो आंखें बंद करके इस रेमेडी को आप यूज कर सकते हो। आपकी सेंसिटिव स्किन है आप तब भी इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी एसिडिक नेचर की चीज हमने बिल्कुल भी नहीं डाली है, तो ऐसी कुछ दिक्कत है नहीं है। फिर भी आप पैच टेस्ट जरूर करें। आपको कब कब करनी है? आप ऑल्टरनेट डेज पे ये रेमेडी कर सकते हो, एक दिन छोड़ के। डेली अगर करनी है तो एज अ फेस मास्क, फेस पैक के तरीके से करिए कि रोज इसमें मिक्स किया, फेस पैक लगाया, 15 मिनट बाद चेहरा धो लिया, है ना, कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बताया आप ऑल्टरनेट डे पे करें, एक दिन छोड़ के इस रेमेडी को करें, हमेशा रात को करें। उसके बाद अगर आपके पास सीरम और ये फेस मास्क है आप लगा सकते हैं, नहीं है आपके पास तो आप अपना मॉइस्चराइजर जरूर 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 लगाएं। बस यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप डिटॉक्स वाटर जरूर पीजिए, और डिटॉक्स वाटर की आपने रेसिपी मांगी है तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी, लेकिन मेरा आजकल अजवाइन का पानी चल रहा है तो अजवाइन का पानी सबको सूट नहीं करता, इसलिए मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। ये आपकी विश थी कि मैं एक सिंपली पूरा कटिंग वटिंग के बिना आपके साथ वीडियो शेयर करूं, तो मैंने उसी तरह से बना दी है। शॉप की क्लिप थोड़ी सी शूट कर लूंगी अगर आपका दिल करता है तो। थैंक यू वेरी मच इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। खुश रहिए, जैसी भी स्किन है उसे एक्सेप्ट करें। हाँ, उसको सुधारने में हम अपना बेस्ट देंगे, लेकिन ये नहीं है कि जब मेरे छाइयां होती है तो मैं रोती पिटती नहीं हूँ कि हाई छाइयां छाइयां छाइयां, क्योंकि एक बहुत अच्छा वक्त मैंने देखा है, मेरी बहुत अच्छी स्किन थी और फिर मेरी डिप्रेशन की वजह से स्किन खराब हुई, दोबारा से रिपेयर हो रही है। सब कुछ होता है, टेंशन नहीं लेनी है, बस दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट हम सब करते हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा रुक के, थोड़ा सोच के, थोड़ा समझ के इन्वेस्ट कीजिए। और ऐसे ही मेरे कहने पे भी ऐसे ही फटाफट से इन्वेस्ट मत कीजिए, कुछ चीजें सोचें, देखें, परखें, दिमाग लगाएं, फिर यूज करें। आप मेरे साथ बात कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी मीनाक्षी बहल पे, और दूसरी आईडी हमारी है ब्यूटी कलेक्शन हब पे। उन दोनों को फॉलो करें, वहां पे आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारी देने की मैं कोशिश करती हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइस, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। सत श्री अकाल करिएगा प्लीज, सत श्री अकाल।